नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाना। तो आइए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य बनाना। पहला वाक्य है, सरोवरे कमलाः वीक्षन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं। तो विद्यार्थियों, जो कमला है ये नपुंसक लिंग आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका शुद्ध आंसर कमलानि। तो वाक्य क्या बनेगा, सरोवरे सरोवरे कमलानि वीक्षन्ति। सरोवरे कमलानि वीक्षन्ति, ये वाक्य बनेगा। नंबर टू है, से फलान खादति, वह फल खाता है, स्वस्थ से भवति और स्वस्थ होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो फलान है ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आएगा फल शब्द नपुंसक लिंग होता है, फलम फले फलानि। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फलानि लिखेंगे। तो शुद्ध आंसर क्या होगा, से फलानि खादति स्वस्थे से भवति, वह फल खाता है और स्वस्थ होता है। नंबर थ्री, वृक्षात पत्र है पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहां पर पत्र है ये नपुंसक लिंग होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वृक्षात पत्रम पतति, ये वाक्य होगा विद्यार्थियों, वृक्षात पत्रम पतति। अत्र पुस्तकालयम अपि अस्ति, यहां पर जो पुस्तकालयम है इसके स्थान पर क्या होगा, पुस्तकालय है, क्योंकि व्यक्ति नाम और वस्तु नाम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, यहां पर अत्र पुस्तकालय, पुस्तकालय है अपि अस्ति, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट, यदा चक्रा भ्रमन्ति वाहनम चलति, यहां पर जो चक्र है ये नपुंसक लिंग शब्द होता है, तो क्या होगा, यहां पर चक्रा के स्थान पर चक्राणि, तो आंसर शुद्ध होगा, यदा चक्राणि भ्रमन्ति तद वाहनम चलति, वाहनम चलति, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा, यदा चक्राणि भ्रमन्ति वाहनम चलति। किम एतत् तव ग्रह, यहां पर ग्रह रेखांकित है, ग्रह शब्द भी नपुंसक लिंग होता है, तो ग्रह के स्थान पर क्या करेंगे, गृहम। तो किम एतत् तव ग्रहम, किम एतत् तव गृहम, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। दुग्धम दुग्धमय स्वास्थ्याय भवति, दूध स्वास्थ्य के लिए होता है, तो दुग्धमय ये भी नपुंसक लिंग होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध आंसर तो लिखेंगे दुग्धम, दुग्धम स्वास्थ्याय भवति, दुग्ध स्वास्थ्य के लिए होता है। छात्रा बस यानम विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र बस यान से विद्यालय जाते हैं। विद्यार्थियों, कोई कार्य करने के लिए जिस साधन का उपयोग लिया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी की भी हम मदद लेते हैं तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो विद्यालय जाने के लिए बस यान की मदद ले रहे हैं, तो यहाँ पर बस यान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, इनको शुद्ध करते हैं, छात्रा बस यानीन, बस यानीन, विद्यालयम
गच्छन्ति। छात्रा बसयानम विद्यालयं गच्छन्ति, शुद्ध होगा छात्रा बसयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। वयं मुखात् वदामे, हम मुख से बोलते हैं, तो यहां पर सहायता ले रहे हैं मुख की, तो मुखात के स्थान पर क्या होगा मुखेन, तो लिखेंगे आंसर शुद्ध वयं मुखेन वदामह, हम मुख से बोलते हैं। जना पादै चलन्ति, लोग पैरों से चलते हैं, विद्यार्थियों दो पैर से ही हम चलते हैं, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति द्विवचन आएगा, जनः पादाभ्याम चलन्ति, जना पादाभ्याम चलन्ति, पादे के स्थान पर पादाभ्याम करेंगे, जना पादाभ्याम चलन्ति। बालके कंदुकम खेलति, बालक गेंद को खेलता है, नहीं गेंद को नहीं गेंद से खेलता है, तो इस कंदुकम के स्थान पर क्या करेंगे कंदुकीन, तो लिखेंगे आंसर बालके है कंदुकीन, कंदुकीन खेलति, खेलति बालक गेंद से खेलता है। अहम ध्यानम पाठम पठिष्यामि, मैं ध्यान से पाठ पढ़ता हूं, तो ध्यान से, तो इसमें भी ध्यानम के स्थान पर हम आंसर लिखेंगे ध्यानेन, तो आंसर होगा हमारा अहम ध्यानेन पाठम पठिष्यामि, अहम ध्यानेन पाठम पठिष्यामि, ये आंसर होगा। सज्जना परोपकारेण जीवन्ति, सज्जन पुरुष परोपकार से जीते हैं, परोपकार से नहीं विद्यार्थियों, परोपकार के लिए, तो परोपकारेण में परोपकाराय हम लिखेंगे, तो आंसर होगा सज्जना परोपकाराय, परोपकाराय जीवन्ति, परोपकारेण के स्थान पर परोपकाराय करेंगे, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। पितामही पूजनम देवालयम अगच्छत, पितामही दादी पूजा को विद्यालय को अगच्छत, तो पूजनम के स्थान पर लिखेंगे पूजनाय, पूजन के लिए, पूजनम के स्थान पर लिखेंगे हम पूजनाय, तो पितामही पूजनाय देवालयम अगच्छत, आंसर लिखेंगे पितामही पूजनाय देवालयम अगच्छत। इस प्रकार से आंसर होगा। बालका खेलने क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, बालक खेलने में क्रीड़ा क्षेत्र जाते हैं, खेलने में नहीं विद्यार्थियों, खेलने के लिए, तो यहां पर खेलनाय करेंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बालक खेलने के लिए, तो लिखेंगे बालकाः खेलनाय क्रीडाक्षेत्रम गच्छन्ति, बालकाः खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। तो विद्यार्थियों अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दीपके प्रकाशे भवति, दीपक प्रकाश होता है, तो विद्यार्थियों प्रकाशे के स्थान पर क्या करेंगे प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा दीपके है प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। नंबर 17, जना पर्यटनम अत्र आगच्छन्ति, लोग पर्यटन को अत्र यहां आते हैं, लोग पर्यटन को यहां आते हैं, तो पर्यटनम के स्थान पर शुद्ध क्या होगा पर्यटन के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति, जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति,
लोग पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है कृषिका सायं क्षेत्रे आगच्छन्ति, किसान शाम को खेतों से आते हैं। तो विद्यार्थियों अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्षेत्रे के स्थान पर हम करेंगे क्षेत्रे भे। तो इसका आंसर होगा कृषिका सायं क्षेत्रात् आगच्छन्ति। कई बार सायं के स्थान पर सायं कालम लिखा हुआ आए, सायं कालम, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे, सायं काले, सायं काले करेंगे विद्यार्थियों, सायं काले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 19 देखिए, छात्र विद्यालयं गृहम आगच्छत्, छात्र विद्यालय से घर आया। तो विद्यार्थियों इसमें भी विद्यालयेन, विद्यालय से अलग हो रहा है छात्र, तो विद्यालयेन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपादान कारक का, तो लिखेंगे छात्र है विद्यालयात, विद्यालयात गृहम आगच्छत, छात्र विद्यालयात गृहम आगच्छत, छात्र विद्यालय से घर आया। नेक्स्ट नंबर 20, पुस्तकम हस्तम पतति, पुस्तक हाथ को गिरती है, ऐसा नहीं हाथ से गिरती है, तो हाथ से अलग हो रही है विद्यार्थियों, तो क्या लिखेंगे आंसर, पुस्तकम, हाथ में पंचमी लगाएंगे, हस्तात, हस्तात, पुस्तकम हस्तात पतति, पुस्तक हाथ से गिरती है, पुस्तक हाथ से गिरती है। नेक्स्ट 21, महिला कूपम जलम आनयति, महिला कुएं को जल आनयति लाती है, तो कुएं से जल लाती है, तो कूपम के स्थान पर क्या करेंगे हम, कूपात, तो आंसर होगा महिला कूपात जलम आनयति, महिला कूपात जलम आनयति, महिला कुएं से जल लाती है। नेक्स्ट है नंबर 22, गंगा हिमालय निर्गच्छति, गंगा हिमालय में निकलती है, तो हिमालय में नहीं हिमालय से, तो निकलने के अर्थ में विद्यार्थियों निर्धन गम धातु, निर्धन गम धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है निकलने के योग में, तो यहां पर हिमालय में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। रविवासरम विद्यालय अवकाशे भवति, रविवार को विद्यालय में अवकाश होता है, तो रविवासरम नहीं होता है दोस्तों, रविवासरे, आंसर क्या होगा, रविवासरे, रविवासरे, जो भी दिनों के नाम है, सोमवासरे, मंगलवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे, शनिवासरे, रविवासरे, इसी प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस आने पर लिखेंगे, ऐसे सेंटेंस आने पर इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो रविवासरे विद्यालय अवकाशे भवति, यहाँ पर कोई भी दिन आता तो हम इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में उसका आंसर देते, उसको शुद्ध करते, कहने का मतलब रविवासरे विद्यालय अवकाश है भवति, रविवासरे विद्यालय अवकाशे भवति। नंबर 24, हस्ते पंच अंगुले सन्ति, हाथ में पांच अंगुलियां हैं, तो हस्ते इसमें लिखेंगे हम सप्तमी विभक्ति, हस्ते पंच अंगुले है सन्ति, हाथ में पांच अंगुलियां हैं, हाथ में पांच अंगुलियां हैं। नेक्स्ट है घटम अल्पम जलम अस्ति,
घड़े को थोड़ा जल है, घड़े को नहीं घड़े में, तो घटम में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, घटे अल्पम जलम अस्ति, घड़े में थोड़ा जल है, घटे अल्पम जलम अस्ति, घड़े में थोड़ा जल है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम शुद्ध करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।